आज समग्र भारत में दिवाड़ी उत्साहभेर उजवणी थई रही छे। तेवामां पीएम मोदी कच्छ में पाकिस्तान बॉर्डर पासे जवानों साथे दिवाड़ी उजवणी करवा पहोंच्या हता। पीएम मोदी सवारे बीएसएफ जवानों ने मळवा पहोंच्या, ज्यां तेमणे बीएसएफ जवानों ने मिठाई खवड़ावी दिवाड़ी शुभेच्छा पाठवी। आ प्रसंगे पीएम मोदी कच्छनी अटपटी और संवेदनशील कही शकाय तेवा क्रिक विस्तार बीएसएफ पेट्रोलिंग बोट में बेसीने निरीक्षण कर्यु। दिवाड़ी शुभेच्छा पाठव्या बाद पीएम मोदी जवानों ने संबोधन कर्यु, ज्यां तेमणे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वखाण कर्या। एटलू ज नहीं, तेमणे कह्युं के गुजरात नो दरियो किनारो खूब ज समृद्ध छे, जो कि गुजरात ना विस्तार ने रणभूमि बनावानो प्रयास अगाउ थई चुक्यो छे। महत्वनुं छे के पीएम मोदी बॉर्डर पर जवानों साथे मुलाकात दरमियान बीएसएफ नो ड्रेस पहेर्यो हतो, जेमां कैप, बीएसएफ नी वर्दी, बकल अने पीएम नी नरेन्द्र मोदी लखेली नेम प्लेट पण सामेल छे। महत्वनुं छे के पीएम बन्या बाद मोदी सतत 11मी दिवाळी देशना अलग अलग बॉर्डर पर अलग अलग बटालियन अने फोर्स साथे दिवाळी उजवी छे, त्यारे 11मा वर्षे पण तेमणे जवानों साथे दिवाळी उजवानी परंपरा कच्छमां निभावी। यहां की समुद्री सीमा भारत विरोधी षड्यंत्रों का सबसे ज्यादा सामना करती है। कच्छ के इसी क्षेत्र में भारत की अखंडता का उद्घोष करती इस सर क्रिक भी है। अतीत में इस क्षेत्र को रणभूमि बनाने की कोशिशें भी हुई। देश जानता है सर क्रिक पर दुश्मन की नापाक नजरें कब से टिकी है, लेकिन देश निश्चिंत भी है क्योंकि सुरक्षा में आप तैनात हैं। देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है, और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। आप जब जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। पहले भारत की पहचान हथियार मंगाने वाले देश की थी, आज भारत दुनिया के कितने ही देशों को डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ गया है। साथियों, सरकार के इस विजन को सफल बनाने में हमारी सेनाओं और सैन्य बलों के सहयोग की भी बड़ी भूमिका है।